हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम एमपीटेट 2018 के सोशल साइंस के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जो कि पूछा गया था 28 फरवरी 2019 के द्वितीय पाली की परीक्षा में। दोस्तों, इस वीडियो से मेरा उद्देश्य है आप तक टेट के प्रश्नों को पहुँचाना, ताकि आप टेट के एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकें। दोस्तों, आप सब ने मुझे कई बार कहा है कि आप प्रश्नों को एक्सप्लेन नहीं करती, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि टेट में 150 प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों को एक्सप्लेन करने में 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। दोस्तों, इतना लंबा वीडियो आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2 से 2.5 घंटे एक वीडियो को दे सके। तो दोस्तों, इसीलिए मैं प्रश्नों को एक्सप्लेन नहीं करती, मेरा एकमात्र उद्देश्य है आप तक प्रश्न पत्र के पैटर्न को पहुंचाना, जिससे कि आप आसानी से टेट को क्लियर कर सको। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी से। पहला प्रश्न है, एक छात्र इस विश्वास से अध्ययन करने के लिए अभी प्रेरित होता है कि अच्छा ग्रेड उसके या उसकी कक्षा प्रतिनिधि बनने के आवेदन में मदद करेगा। अभिप्रेरणा के मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार वह किस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कर रहा है? पहला ऑप्शन है बड़ी आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन है आत्मविश्लेषण की आवश्यकता, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक आवश्यकता और चौथा ऑप्शन है क्रियात्मक आवश्यकता। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बड़ी आवश्यकता। अगला प्रश्न है, मर्सिया के किस प्रकार की पहचान की स्थिति को उस दशा द्वारा पहचाना जाता है जिससे प्रतिबद्धता आती है? पहला ऑप्शन है पहचान उपलब्धता, दूसरा ऑप्शन है पहचान अधिस्थगन, तीसरा ऑप्शन है पहचान प्रसार और चौथा ऑप्शन है पहचान फौजदारी। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहचान उपलब्धता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार जे प्याजे द्वारा दिए गए सिद्धांत के अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में निहित नहीं है? पहला ऑप्शन है अधिगम दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता है, दूसरा ऑप्शन अधिगम निर्माण की एक आंतरिक प्रक्रिया है, तीसरा अधिगम केवल अवलोकन या अनुभव से उत्पन्न नहीं हो सकता, चौथा ऑप्शन अधिगम की प्रक्रिया केवल परिवर्तन की स्थितियों में समझ में आती है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता है। अगला प्रश्न है, समान आयु वर्ग के बच्चों का होना और समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना डैश के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन खेलने के साथी, दूसरा मित्र, तीसरा सहपाठी और चौथा साथियों का समूह। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साथियों का समूह। अगला प्रश्न है, कक्षा के भीतर छात्र की कम सहभागिता किस कारण से हो सकती है? पहला ऑप्शन मॉडल आधारित अधिगम, दूसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक संघर्ष, तीसरा ऑप्शन संवादात्मक सत्र और चौथा ऑप्शन रुचि की कमी। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रुचि की कमी। अगला प्रश्न है, अवलोकन का एक उदाहरण है, पहला ऑप्शन आकलन, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा मापन और चौथा ऑप्शन है परीक्षण। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आकलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में एक अक्षमता मौजूद है? पहला ऑप्शन है उपयुक्त सभी, दूसरा केवल आत्मसंयम, निपुणता या शारीरिक समन्वय, तीसरा केवल भाषण, श्रवण या दृष्टि, चौथा केवल गतिशीलता, अवगमन और स्मृति। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डैश में एक उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना को प्रबल करती है। पहला ऑप्शन है नकारात्मक दंड, दूसरा ऑप्शन नकारात्मक पुनर्वलन, तीसरा ऑप्शन सकारात्मक दंड और चौथा ऑप्शन लापरवाही। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, नकारात्मक पुनर्वलन। अगला प्रश्न, शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण किसी की स्मृति को मजबूत करता है? पहला ऑप्शन बहुसंवेदी, दूसरा ऑप्शन दृश्य स्मृति, तीसरा ऑप्शन स्पर्श ज्ञान स्मृति और चौथा ऑप्शन ऑडियो लिंगुअल।
दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुसंवेदी। अगला प्रश्न, कोहल वर्ग के अनुसार डैश नैतिकता का स्तर सामाजिक मानदंडों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है या लोगों के एक समूह द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है। पहला ऑप्शन है पश्च्य पारंपरिक स्तर, दूसरा ऑप्शन है कॉन्टरवेशनल स्तर, तीसरा ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक स्तर और चौथा ऑप्शन है पारंपरिक स्तर। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा दीर्घकालिक स्मृति से कोई सूचना अनुपयोग होने के कारण समाप्त जाती है। पहला ऑप्शन विलंब, दूसरा क्षय, तीसरा पूर्वाभ्यास, चौथा हस्तक्षेप। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, क्षय। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन नैतिक निर्णय, दूसरा ऑप्शन नैतिक व्यवहार, तीसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक निर्णय और चौथा ऑप्शन न्यायिक व्यवहार। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नैतिक निर्णय। अगला प्रश्न, किस प्रकार का मॉडल प्रोत्साहन के लिए एक निष्क्रिय अनुमानित प्रक्रिया के रूप में विकास का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म मॉडल, दूसरा ऑप्शन है यंत्रवत मॉडल, तीसरा ऑप्शन है अटेंशनल मॉडल और चौथा ऑप्शन है वर्णनात्मक मॉडल। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, यंत्रवत मॉडल। अगला प्रश्न है, ओसीडी का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन ओबेसेसिव कंपल्सिव डिजाइन, दूसरा ऑप्शन ओबेसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तीसरा ऑप्शन ओबेसेसिव कॉग्निटिव डिसऑर्डर और चौथा ऑप्शन है ऑफिस ऑफ कॉग्निटिव डिजाइन। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ओबेसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगला प्रश्न है, बाल विकास के सिद्धांत वर्णित करते हैं। पहला ऑप्शन बच्चे कैसे पढ़ते और बदलते हैं, दूसरा ऑप्शन बच्चे स्कूलों में कैसा व्यवहार करते हैं, तीसरा ऑप्शन बच्चे कैसे शिक्षित होते हैं और चौथा ऑप्शन बच्चे परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे कैसे बढ़ते और बदलते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने पहली बार चिंपांजी पर अपने किए गए अध्ययन से अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन एडवर्ड थर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन वोल्फगैंग कोहलर, तीसरा ऑप्शन जीन पियाजे और चौथा ऑप्शन इवान पावलोव। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, वोल्फगैंग कोहलर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि परीक्षण है? पहला ऑप्शन लोकस ऑफ कंट्रोल टेस्ट, दूसरा ऑप्शन वाक्य पूर्णता परीक्षण, तीसरा ऑप्शन मायर्स ब्रिग्स टाइप संकेतिक प्रश्नावली, चौथा ऑप्शन विनेट कामत परीक्षण। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, विनेट कामत परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का तर्क नहीं है? पहला ऑप्शन उपदंसकारी तर्क, दूसरा ऑप्शन निर्गणात्मक तर्क, तीसरा ऑप्शन अन्यारोपण तर्क, चौथा ऑप्शन पारलौकिक तर्क। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, अन्यारोपण तर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेटवे ड्रग नहीं है? पहला ऑप्शन शराब, दूसरा तंबाकू, तीसरा मारीजुआना, चौथा कोकीन। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, कोकीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की प्रक्रिया में केंद्र बिंदु नहीं है? पहला ऑप्शन छात्र, दूसरा ऑप्शन सामग्री, तीसरा ऑप्शन शिक्षण विधि और चौथा ऑप्शन शिक्षक। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, शिक्षण विधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ADHD का लक्षण है? पहला ऑप्शन उदासी, दूसरा हकलाना, तीसरा अति संवेदनशीलता, चौथा अति सक्रियता। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, अति सक्रियता। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की की भाषा का सिद्धांत डैश अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, दूसरा संज्ञानात्मक, तीसरा रचनावादी और चौथा भावात्मक। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, रचनावादी। अगला प्रश्न है, डैश कई तरीकों में से एक तरीका है जिसके माध्यम से संस्कृति विकास को प्रभावित करती है।
पहला ऑप्शन धर्म, दूसरा संदर्भ, तीसरा भाषा और चौथा परिवेश। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भाषा। अगला प्रश्न है डैश का अध्ययन व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है। पहला ऑप्शन है आत्म केंद्रित व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है स्मृति प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है अवधारणात्मक तीक्ष्णता और चौथा ऑप्शन है समय से पूर्व जन्म। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आत्म केंद्रित व्यवहार। अगला प्रश्न शिक्षा में वैज्ञानिक जांच अधिगम का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन सहयोगी कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, दूसरा पाठ्यक्रम सामग्री को पूरा करने के लिए, तीसरा वैज्ञानिक साक्षरता का निर्माण करने के लिए, चौथा कक्षा में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वैज्ञानिक साक्षरता का निर्माण करने के लिए। अगला प्रश्न है छात्रों से अपेक्षाओं को पूरा करने से उनके अधिगम की क्षमता में वृद्धि होगी, यह कार्य निम्न का हिस्सा बन जाता है। पहला ऑप्शन है सारांशित आकलन, दूसरा ऑप्शन अधिगम का आकलन, तीसरा ऑप्शन अधिगम के रूप में आकलन और चौथा ऑप्शन अधिगम के लिए आकलन। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अधिगम के लिए आकलन। अगला प्रश्न है जब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इसे डैश रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है द्वितीयक समाजीकरण, दूसरा ऑप्शन प्राथमिक समाजीकरण, तीसरा ऑप्शन प्रत्याशित समाजीकरण और चौथा ऑप्शन पुनः समाजीकरण। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुनः समाजीकरण। प्रश्न है अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम के लिए उदाहरण हो सकता है। पहला ऑप्शन अभ्यास का नियम, दूसरा उपरोक्त में से कोई नहीं, तीसरा तत्परता का नियम और चौथा प्रभाव का नियम। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास का नियम। अगला प्रश्न है प्रेरणा का अनुक्रम सिद्धांत उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। पहला ऑप्शन अब्राहम हेराल्ड मास्लो, दूसरा ली सीमनोविच बाइगोत्स्की, तीसरा वी एफ एस्कीनर और चौथा जीन विलियम फ्रियर्ड पियाजे। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अब्राहम हेराल्ड मास्लो। किसी विशिष्ट उद्देश्य निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन औपचारिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन अप्रत्यक्ष मूल्यांकन और चौथा ऑप्शन व्यक्तिगत शिक्षा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा जनरल हिंदी है। जनरल हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं तो पहला प्रश्न दोस्तों हमारा पद्यांश से है। पहले हम इस पद्यांश को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। पद्यांश है हमारा सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। दोस्तों ये कविता झांसी की रानी का है जिसे लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इस पद्यांश का, कविता में रानी के प्रिय खिलवाड़ किन कार्यों को कहा गया।
पहला ऑप्शन है केवल नकली युद्ध व्यूह की रचना, दूसरा केवल सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, तीसरा केवल खूब शिकार खेलना और चौथा उपयुक्त में से सभी कार्य। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी कार्य। अगला प्रश्न भी हमारा पद्धान से है। प्रश्न है दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन सभी का रंग फिर गया था, दूसरा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन सबने फिरे हुए रंग को दूर करने की सोची थी, चौथा ऑप्शन राजा और प्रजा दोनों ने फिरंगियों को खदेड़ने का निश्चय किया था। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राजा और प्रजा दोनों ने फिरंगियों को खदेड़ने का निश्चय किया था। अगला प्रश्न भी हमारा पद्धान से है। प्रश्न है किस आज़ादी की कीमत सबको समझ में आ गई थी। पहला ऑप्शन गुमी हुई या कहीं खोई हुई, दूसरा गणतांत्रिक आज़ादी, तीसरा लोकतांत्रिक आज़ादी, चौथा जो आज़ादी प्राप्त थी। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुमी हुई आज़ादी या खोई हुई आज़ादी। अगला प्रश्न भी हमारा पद्धान से है। प्रश्न है किसके शौर्य की गाथाएं रानी लक्ष्मीबाई को मुंह जवानी याद थी। पहला ऑप्शन तात्या टोपे की, दूसरा वीर शिवाजी की, तीसरा महाराणा प्रताप की और चौथा नाना फडणवीस की। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वीर शिवाजी की। अगला प्रश्न भी हमारा पद्धान से है। प्रश्न है बताइए कि इनमें से किस हथियार के साथ लक्ष्मीबाई नहीं खेलती थी। पहला टैंक, दूसरा ढाल, तीसरा कटारी, चौथा बरसी। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टैंक के साथ नहीं खेलती थी। अगला प्रश्न भी हमारा पद्धान से है। प्रश्न है सभी लोगों ने किसको किससे दूर करने की ठानी थी। पहला ऑप्शन सिपाहियों को सेना से, दूसरा किसी से नहीं, तीसरा मंत्रियों को राज्य से और चौथा फिरंगियों को भारत से। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फिरंगियों को भारत से। अगला प्रश्न भी हमारा पद्धान से है। प्रश्न है चमक उठी सनसन तावन में से किस सन की ओर इशारा किया गया था। पहला ऑप्शन 1857, दूसरा 1957, तीसरा 1757 और चौथा 1657। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1857। अगला प्रश्न भी हमारा पद्धान से है। प्रश्न है कवयित्री ने लक्ष्मी और दुर्गा कहकर रानी लक्ष्मीबाई को किसका अवतार कहा है। पहला ऑप्शन काली का, दूसरा पार्वती का, तीसरा वीरता का और चौथा शीतला का। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वीरता का। अगला प्रश्न भी हमारा पद्धान से है। प्रश्न है कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी किसके मुंह से सुनी थी। पहला ऑप्शन किसी से नहीं, दूसरा बुंदेलों हरबोलों से, तीसरा अपनी नानी से, चौथा अपने घर के लोगों से। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बुंदेलों हरबोलों से। अगला प्रश्न भी हमारा पद्धान से है। प्रश्न है इस कविता में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया। पहला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, दूसरा बूढ़ों की अधिक संख्या के कारण, तीसरा भारत की प्राचीनता के कारण, चौथा देश की थकान के कारण। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भारत की प्राचीनता के कारण। अगला प्रश्न भी हमारा पद्धान से है। प्रश्न है इस कविता में फिरंगी किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन पुर्तगाल से आए पुर्तगालियों को, दूसरा जिनका रंग फिर गया हो, तीसरा इंग्लैंड से आए अंग्रेजों को और चौथा फ्रांस से आए फ्रांसीसियों को। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इंग्लैंड से आए अंग्रेजों को। अगला प्रश्न भी हमारा पद्धान से है। प्रश्न है इस कविता के आधार पर बताइए कि कवित्री का संकेत किसकी ओर है। पहला ऑप्शन है बाजीराव पेशवा की ओर, दूसरा ऑप्शन अंग्रेजों की ओर, तीसरा मोड़ो पंत की ओर और चौथा झांसी की रानी की ओर। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 झांसी की रानी की ओर। अगला प्रश्न भी हमारा पद्धान से है। प्रश्न है इस कविता के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के कितने भाई बहन थे। पहला ऑप्शन कविता में इसका कोई जिक्र नहीं है,
दूसरा यह ज्ञात नहीं, तीसरा लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी, चौथा ऑप्शन एक भाई एक बहन। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। अगला प्रश्न भी हमारा पदधान से है। प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की तलवारों की वार देखकर कौन पुलकित होते थे? पहला ऑप्शन अंग्रेज, दूसरा मुगल, तीसरा मराठे, चौथा गायकवाड़। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, मराठे। अगला प्रश्न भी हमारा पदधान से है। प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में सिंहासन हिल उठे में किसके सिंहासन के हिल उठने का जिक्र है? पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी के, दूसरा अंग्रेजों के, तीसरा भारतीय रियासतों के और चौथा महारानी विक्टोरिया के। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, भारतीय रियासतों के। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न गद्यांश है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली कड़ी परीक्षा तब हुई जब भाषा पर आधारित राज्यों का गठन हुआ। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सकें। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि भूगोल, जातीयता, संस्कृति आदि के आधार पर हुआ, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। भारतीय संघ की दूसरी परीक्षा थी यहाँ की भाषा नीति। हमारे संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली, लेकिन हिंदी केवल 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसीलिए दूसरी भाषाओं की रक्षा के लिए कई प्रावधान बनाए गए। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। आज़ादी के बाद के अधिकांश समय में हिंदी को गैर हिंदी क्षेत्रों में थोपे जाने की कोशिश नहीं की गई। केंद्र और राज्य के रिश्ते, केंद्र और राज्य के बीच के रिश्तों के पुनर्गठन से हमारी संघीय व्यवस्था को और बल मिला है। आज़ादी के बाद एक लंबे समय तक भारत के ज़्यादातर हिस्सों में केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी। उन दिनों भारत में कांग्रेस की मोनोपोली चलती थी। इन दिनों में केंद्र सरकार अक्सर राज्य सरकार के अधिकारों की अवहेलना करती है। राज्य सरकार द्वारा जरा सी भी स्वग्रहिता दिखाने पर कई राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। 1989 के बाद से केंद्र में गठबंधन सरकार का दौर चला। इसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार की स्वायत्तता के सम्मान और सत्ता में साझेदारी की नई परिपाटी शुरू हुई। ऐसा कहा जा सकता है कि अब भारत में संघीय व्यवस्था कहीं अधिक प्रबल हुई है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 1500 अलग अलग भाषाएं हैं। इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया है। उदाहरण के लिए भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कई अन्य भाषाओं को हिंदी के समूह में रखा गया है। विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी भारत में 114 मुख्य भाषाएं हैं। इनमें से 22 भाषाओं को संविधान के 8वें अनुच्छेद में अनुसूची भाषाओं की लिस्ट में रखा गया है। अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। दोस्तों अब हम देखते हैं गद्यांश का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, जब एक दल की केंद्र में सरकार थी तो राज्य सरकारों के अधिकारों का क्या करती थी? पहला ऑप्शन है पालन, दूसरा अवहेलना, तीसरा मान सम्मान और चौथा कुछ नहीं। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, अवहेलना। प्रश्न भी हमारा गद्यांश से है। प्रश्न है, भारतीय संघ की दूसरी परीक्षा क्या थी? पहला ऑप्शन राज्यपालों की नियुक्ति, दूसरा राज्यों का गठन, तीसरा भाषा नीति, चौथा राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, भाषा नीति। अगला प्रश्न भी हमारा गद्यांश से है। प्रश्न है, आज़ादी के बाद लंबे समय तक केंद्र और अधिकांश राज्यों में कितने दलों की सरकार चली? पहला ऑप्शन एक, दूसरा दो, तीसरा तीन, चौथा चार। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक। अगला प्रश्न भी हमारा गद्यांश से है। प्रश्न है, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली कड़ी परीक्षा कब हुई? पहला ऑप्शन संविधान लागू करते समय, दूसरा संविधान लागू करते समय, तीसरा भाषावार राज्यों के गठन के समय और चौथा निर्वाचन के समय।
दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाषावार राज्यों के गठन के समय। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, हिंदी को किस तरह की भाषा के रूप में मान्यता मिली? पहला ऑप्शन ज्ञान भाषा, दूसरा किसी रूप में नहीं, तीसरा राष्ट्रभाषा और चौथा आधिकारिक भाषा। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आधिकारिक भाषा। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा जरा सी भी स्वग्रहिता दिखाने पर राज्यों के साथ क्या होता था? पहला ऑप्शन अनुदान में कटौती, दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू, तीसरा समाधान में देरी और चौथा प्रावधान में कमी। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति शासन लागू। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, भूगोल, जातीयता, संस्कृति आदि के आधार पर इनमें से किन राज्यों का गठन हुआ? पहला ऑप्शन केवल नागालैंड, दूसरा केवल झारखंड, तीसरा केवल उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच के रिश्तों के पुनर्गठन से संघीय व्यवस्था को क्या मिला? पहला ऑप्शन न्याय, दूसरा बल, तीसरा प्रशासन, चौथा शासन। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बल मिला। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, हमारे संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है? पहला ऑप्शन अंग्रेजी, दूसरा हिंदी, तीसरा तमिल, चौथा किसी को नहीं। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, किसी को नहीं। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, हिंदी के अलावा कितनी अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? पहला ऑप्शन 21, दूसरा 13, तीसरा 22 और चौथा 20। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 21। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, हिंदी कितने प्रतिशत भारतीयों की मातृभाषा है? पहला ऑप्शन 30%, दूसरा 10%, तीसरा 40% और चौथा 20%। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 40%। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, 1979 के बाद से केंद्र में किन सरकारों का दौर चला? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति शासन, दूसरा गठबंधन सरकार, तीसरा अल्पमत सरकार, चौथा बहुमत की सरकार। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गठबंधन सरकार। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी भारत में कितनी मुख्य भाषाएं हैं? पहला ऑप्शन 105, दूसरा 102, तीसरा 110 और चौथा 114। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 114। अगला प्रश्न भी गद्यांश से है। प्रश्न है, आज़ादी के बाद के अधिकांश समय में हिंदी को गैर हिंदी क्षेत्रों में क्या करने जाने की कोशिश नहीं की गई? पहला ऑप्शन सीखने की, दूसरा लिखने की, तीसरा बोलने की और चौथा थोपने की। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, थोपने की। अगला प्रश्न भी हमारा गद्यांश से है। प्रश्न है, भाषावार राज्यों का गठन क्यों किया गया? पहला ऑप्शन राजनीतिक लाभ के लिए, दूसरा एकता के लिए, तीसरा अखंडता के लिए और चौथा एक भाषाभाषी इकट्ठे रहें। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक भाषाभाषी इकट्ठे रहें। अगला टॉपिक हमारा जनरल इंग्लिश है। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द करेक्ट कंटेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द कंटेंट एंड देन गिव देयर आंसर। कंटेंट इज, nowadays it has become fashionable for college students to go to their academic institution on motorbike. They ride very fast, overtaking heavy vehicles, neglecting the road bumps and considered themselves heroes just like in the movies. Today our industries and transport depend heavily upon petroleum products which are non-renewable. The facts and figures shows us that petroleum products are fast depleting. So there is a need to conserve them. As students, what is our rule to conserving the source of energy? As students should learn the ways of conserving these source and create awareness among the people that the same time. They should set examples themselves by conserving energy. One way to do this is by traveling to and from school or college, either on foot or by bicycle, instead of using fuel-burning vehicles.
they may urge their parents to minimize the use of cars for traveling and instead use the public transport system for the same because cars consume more petrol comparatively. As students should use fans and lights at home only when they are absolutely essential. They should urge school or college authorities to ban the use of motorbikes in the school or college premises. Isn't it time we do this to conserve energy source, for it is in the hands of the youth to begin this project. So our question is, what can students do to conserve energy? First option, not go to college. Second option, travel by bull cart. Third option, go by bus. And fourth option, use cycle and go on foot. So friends, our correct answer is option number 4, use cycle and go on foot. Next question, read the content and answer the question given below. So friends, our question is, what do motorbikes symbolize to students according to the writer? First option, power. Second option, transport vehicle. Third option, fashion. And fourth option, channel. So our correct answer is option number 3, fashion. Next question, read the content and answer the question given below. So our question is, what is the main risk they take? First option, traveling by bicycle. Second option, taking shortcuts. Third option, speeding and overtaking heavy vehicles. Fourth option, slow driving. So our correct answer is option number 3, speeding and overtaking heavy vehicles. Next question, read the content and answer the question given below. Question is, whom do they compare themselves with? First option, adventure lover. Second option, daredevils. Third option, sports people. And fourth option, movie heroes. So our correct answer is option number 4, movie heroes. Next question, read the following lines of the poem and answer the question given below it. So friends, our poem is, I can hear them and they are no longer there, crying for a hand that I couldn't spare. I can see them, though I will not look, reaching for the time that I never took. I can feel them pulling at my sleeves, asking me to stay, knowing that I had leave. And there's no way that I could help them all. But can I even say, when all is said and done, that when I had a way, I stopped to help just one? So our question is, according to the poem, the poet. First option, all of the above. Second option, could not spare a hand. Third option, did not stay. And fourth option, did not look. So our correct answer is option number 1, all of the above. Next question, read the following lines of the poem and answer the question given below it. First option, see them but not hear. Second option, hear, see and feel. Third option, hear them but could not feel. Fourth option, hear them but not see. So our correct answer is option number 2, hear, see and feel. Next question, read the following lines of poem and answer the question given below it. So our question is, what could the poet not spare? First option, cloth. Second option, money. Third option, help. And fourth option, time. So our correct answer is option number 3, help. Next question, read the following lines of the poem and answer the question given below it. Question is the poet happy that he helped someone? First option, no, because he did not help even one person. Second option, yes, he did not have to help anyone. Third option, yes, he helped many people. Fourth option, the poet is neither happy nor unhappy. So our correct answer is option number 1, no, because he did not help even one person. Next question, choose the appropriate synonym for the highlighted word in the given sentence.
क्वेश्चन इज मेडिटेशन इज द एब्सोल्यूट सॉल्यूशन फॉर फाइंडिंग आउट द इनर पीस. सो आर अंडरलाइन वर्ड इज एब्सोल्यूट. फर्स्ट ऑप्शन आउटराइट, सेकेंड ऑप्शन अप्रोक्सीमेट, थर्ड ऑप्शन लिमिटेड एंड फोर्थ ऑप्शन अकाउंटेबल. सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आउटराइट इज द सिनोनिम ऑफ एब्सोल्यूट. नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन. क्वेश्चन इज माई टीचर कॉल्स मी ऑन ए स्टेज वेन ईवर देयर इज एन इवेंट डैश आई स्पीक वेल. फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज, सेकेंड ऑप्शन बट, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन सो. सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिकॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस. क्वेश्चन इज द डैश वर असाइंड हार्ड टास्क ड्यूरिंग देयर प्रोबेशनरी पीरियड. फर्स्ट ऑप्शन ट्रेनी, सेकेंड ट्रेनर, थर्ड ट्रेनिंग एंड फोर्थ ट्रेनीज. सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, ट्रेनीज. नेक्स्ट क्वेश्चन चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस. क्वेश्चन इज एज डैश इलेक्शन गिमिक डैश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड डैश सेविंग स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन. फर्स्ट ऑप्शन नो आर्टिकल रिक्वायर्ड ए द, सेकेंड ऑप्शन अ एन नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, थर्ड ऑप्शन एन द अ एंड फोर्थ ऑप्शन द नो आर्टिकल रिक्वायर्ड द. सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड एंड द अ. नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट द गिवन सेंटेंस इन इट्स एक्टिव वॉइस. क्वेश्चन इज टी इज बीइंग ब्रूड इन द किचन बाय हस्बैंड. सो आर फर्स्ट ऑप्शन इज अ हस्बैंड वॉज ब्रूइंग टी इन द किचन, सेकेंड ऑप्शन हस्बैंड ब्रूज टी इन द किचन, थर्ड ऑप्शन द हस्बैंड इज ब्रूइंग टी इन द किचन एंड फोर्थ ऑप्शन द किचन इज ब्रूइंग टी बाय द हस्बैंड. So our correct answer is option number third, the husband is brewing tea in the kitchen. Next question, choose the appropriate tenses to fill in the blanks in the given sentence. Question is my friend dash on a holiday in Greece and dash a great time. First option has gone, had gone. First option has gone, has had. Second option is having. Third option is going, had. Fourth option shall go, shall have. So our correct answer is option number second, is having. Next question, choose the appropriate antonym for the highlighted word in the given sentence. So our highlighted word is orthodox. First option customary, second option unconventional, third option rationalistic, fourth option traditionalistic. So our correct answer is option number two, unconventional, or the antonyms of orthodox is unconventional. Next question, choose the appropriate pronouns for the given sentence. Question is dash should take care of dash on parents during dash old age. First option we are there, second option she her, third option I my mine, fourth option his he his. So our correct answer is option number first, we are there. Next question, choose the appropriate preposition for the given sentence. Question is it is polite to greet your colleagues first thing dash the morning dash you begin your routine. First option by after, second option on before, third option before after and third option in before. So our correct answer is option number four, in before. Next question is choose the appropriate model for the given sentence. Question is looking back I felt that I dash have helped her in her time for of need. First option must, second option should, third option shall and fourth option can. So our correct answer is option number two, should. Next question is choose the option that best explains the highlighted expression. Question is when the deadline neared we had to get down to brass track and complete the project. First option had to outsource work, second option to get serious, third option we all eager
And fourth option, worked in a team. So our correct answer is option number 2, to get serious. Next question, choose the option that best combines the given sentence. Question is, he does not like reading, he does not like playing. First option, neither he like reading nor he like playing. Second option, he neither like reading nor playing. Third option, he like neither playing or playing. Fourth option, reading or playing is liked by him. So our correct answer is option number 2, he neither like reading nor playing. Next question, choose the option that best transforms the sentence into its indirect form. Question is, do you want to have some more soup? My host said yes, please, I replied. First option, when asked, do you want some more soup? I said yes, please. Second option, my host offered me more soup and I accepted it. Third option, my host was offered me more soup and I accepted it. And fourth option, host said that if I wanted more soup and I accepted it. So our correct answer is option number 2. Next question, choose the option that substitutes the given phrase appropriately. Question is, the act of determining the identity of the disease, illness, etc. by observing its symptoms. First option, discriminate. Second option, analysis. Third option, research. And fourth option, diagnosis. So our correct answer is option number 4, diagnosis. Next question, read the sentence carefully and choose the option that has an error in it. So question is, even though my friends considered a career in economic, he finally decided on his physics major. First option, even though my friend. Second option, considered a career in economics. Third option, a physics major. Fourth option, he finally decided on. So our correct answer is option number 3, physics major. Next question, change the given sentence in indirect speech. Question is, I am waiting at the bus stop, he said. First option, he said to me that he was waiting at the bus stop. Second option, he said to me that has been waiting at the bus stop. Third option, he said that he will be waiting at the bus stop. And fourth option, he said that he is been waiting at the bus stop. So our correct answer is option number 1, he said to me that he was waiting at the bus stop. Next question, fill in the blanks with the most appropriate preposition for the option given. First option, question is, Arun cleaned his room by stuffing. Question is, Arun cleaned his room by stuffing everything dash his bed. First option, in. Second, along. Third, on. And fourth, under. So our correct answer is option number 4, under. Next question, fill in the blanks with the correct option in the given sentence. So question is, educate dash are concerned with the high rate of illiter dash among adult. So our first option is ESATION. Second option, ION and ATS. Third option, ORS and ACY. Fourth option, IONAL and ACIES. So our correct answer is option number 3. Educators are concerned with the high rate of illiteracy among adults. Next question, fill in the blanks with correct option in the given sentence. Question is, when a person has too much emotion, we call him dash emotional. First option, extra. Second option, over. Third option, un. And fourth option, in. So our correct answer is option number 2, over emotional. Next question, choose the most appropriate determiner in the given sentence. Question is, Bangkok is dash capital of Thailand. First option, and. Second option, the. Third option, no article required. And fourth option, a. So our correct answer is option number 2. Bangkok is the capital of Thailand. Next question, choose the right tag. Sita got married last month.
फर्स्ट ऑप्शन इजंट सी, सेकेंड ऑप्शन इज सी, थर्ड ऑप्शन डिडंट सी एंड फोर्थ ऑप्शन डिड सी. सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, डिडंट सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज एन इरन इन इट. क्वेश्चन इज, व्हेन प्रिपेयरिंग डिनर माई मदर ऑफन रोप इन माई सिस्टर्स. फर्स्ट ऑप्शन इन माई सिस्टर, सेकेंड ऑप्शन माई मदर ऑफन रोप, थर्ड ऑप्शन व्हेन प्रिपेयरिंग डिनर एंड फोर्थ ऑप्शन नो इरर. सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, माई मदर ऑफन रोप. दोस्तों अगला टॉपिक हमारा सोशल साइंस है. अब हम सोशल साइंस के प्रश्नों को देखेंगे. तो हमारा पहला प्रश्न है, ऐसी स्थिति जहां किसी काम में लगाए गए श्रमिकों की संख्या वास्तव में आवश्यकता से अधिक होती है, या दूसरे शब्दों में जनसंख्या का एक हिस्सा जिसे पूरी क्षमता पर काम में नहीं लगाया गया है उसे डैश के रूप में जाना जाता है. पहला ऑप्शन है अनैच्छिक बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन ऐच्छिक बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन संरचनात्मक बेरोजगारी और चौथा ऑप्शन प्रक्षण्य बेरोजगारी. तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, प्रक्षण्य बेरोजगारी. अगला प्रश्न, किसका मानना था कि अधिगम किसी भी पूरी क्षमता और अधिक से अधिक अच्छे के लिए उन कौशल का उपयोग करने की क्षमता की प्राप्ति होना चाहिए. पहला ऑप्शन है डॉक्टर वाई के सिंह, दूसरा जॉन डुई, तीसरा जॉन बी मिसेला, चौथा चार्ल्स बियर्ड. दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, जॉन डुवी का. अगला प्रश्न, बीपीएल का विस्तृत रूप डैश है. पहला ऑप्शन बेस पॉवर्टी लाइन, दूसरा ऑप्शन बेस प्राइस लाइन, तीसरा ऑप्शन बिलो पॉवर्टी लाइन दोस्तों और चौथा ऑप्शन बिलो पॉवर्टी लेवल. दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, बिलो पॉवर्टी लाइन. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में मेना क्षेत्र का मुख्य उद्योग है. पहला ऑप्शन पर्यटन और आतिथ्य, दूसरा ऑप्शन खान और खनिज, तीसरा ऑप्शन पेट्रोलियम, चौथा ऑप्शन विनिर्माण. दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, पेट्रोलियम. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी संतों का उनके सिलसिलों से मिलान करें. यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, हमें बताना है इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा. तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चार, निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती थे, और उसकी दूसरा है बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया सुहरवारी थे, तीसरा है अहमद सरहिंदी नक्शबंदी थे, और मिलनबीर कादरी थे. अगला प्रश्न है, एक जहाज भारत के पश्चिमी तट पर कांडला बंदरगाह से पूर्वी तट पर कोलकाता बंदरगाह के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है. निम्नलिखित में से कौन रास्ते में आने वाले भारत के प्रमुख बंदरगाहों का एक सही क्रम है. पहला ऑप्शन है मुंबई कोची, तूतीकोरिन, एनोर, पारादीप. दूसरा ऑप्शन मुंबई मोरमुगाओ, कोचीन, एनोर, चेन्नई. तीसरा ऑप्शन मुंबई तूतीकोरिन, एनोर, चेन्नई, विशाखापत्तनम. चौथा ऑप्शन चेन्नई, विशाखापत्तनम, हल्दिया, पारादीप. दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंबई कोचीन, तूतीकोरिन, एनोर और पारादीप. अगला प्रश्न है, समुद्र में पौधों की गहराई डैश तक प्रतिबंधित है. पहला ऑप्शन 1000 मीटर, दूसरा ऑप्शन 200 मीटर, तीसरा 20 मीटर और चौथा 2000 मीटर. दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, 200 मीटर. अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के सोने के सिक्कों को यह नहीं कहा जाता था. पहला ऑप्शन हून, दूसरा ऑप्शन वारहा, तीसरा ऑप्शन गनियान, चौथा ऑप्शन निक्षा. दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, निस्का. अगला प्रश्न, 1991 में नई आर्थिक नीति के कार्यान्वयन के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश डैश बढ़ा दिया गया था. पहला ऑप्शन है 50 से 70%, दूसरा 40 से 51%, तीसरा 30 से 40% और चौथा 30 से 39%. दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, 40 से 51%. अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक कब प्रस्तुत किया गया. पहला ऑप्शन 22 दिसंबर 2011, दूसरा ऑप्शन 22 दिसंबर 2012,
तीसरा 22 दिसंबर 2014 और चौथा ऑप्शन है 22 दिसंबर 2013। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 22 दिसंबर 2011। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने परियोजना पद्धति के विकास को प्रभावित किया? पहला ऑप्शन सुकरात, दूसरा जॉन डीवी, तीसरा पेस्तालोसी, चौथा कोमेनियस। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो जॉन डीवी। अगला प्रश्न, किसने कहा कि पाठ्यचर्या एक कलाकार के हाथ में मौजूद वह टूल है जिससे वह अपने स्टूडियो में अपने आदर्शों के अनुसार अपनी सामग्री को ढाल सके? पहला ऑप्शन मुनरो, दूसरा आर्थर कनिंघम, तीसरा रॉबर्ट डाहल, चौथा एच एल लास्वेल। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू आर्थर कनिंघम। अगला प्रश्न, किसने प्रधानमंत्री की भूमिका को सरकार की लिचपिंग बताया? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, केवल दो एशियाई देश भूतापीय संस्थापित क्षमता के 1GW देश क्लब में हैं, वे देश कौन से हैं? पहला ऑप्शन मलेशिया और सिंगापुर, दूसरा इंडोनेशिया और फिलीपींस, तीसरा लाओस और कंबोडिया, चौथा भारत और चीन। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो इंडोनेशिया और फिलीपींस। अगला प्रश्न, डैश समिति ने राजनीति के अपराधीकरण का जिक्र किया जो नेताओं और अपराधियों के बीच घनिष्ठ संबंध में सामने आया है। पहला ऑप्शन है संस्थानम, दूसरा NN बोहरा, तीसरा श्री के बी चौधरी, चौथा श्री शरद कुमार। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो NN बोहरा। अगला प्रश्न, डैश वे समाज हैं जो किसानों को अल्पावधि के लिए ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। पहला ऑप्शन है कृषि ऋण आपूर्ति के लिए कार्यक्रम, दूसरा निजी कृषि साख समितियां, तीसरा प्राथमिक कृषि साख समितियां और चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत कृषि ऋण प्रणाली। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन प्राथमिक कृषि साख समितियां। अगला प्रश्न है, डैश किसी व्यक्ति को उस सार्वजनिक कार्यालय में कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया प्रादेश है जिसका वह अधिकारी नहीं है। पहला ऑप्शन परमादेश, दूसरा ऑप्शन अधिकार परीक्षा, तीसरा ऑप्शन उत्प्रेषण और चौथा ऑप्शन प्रतिषेध। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न, होवार्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया था पहला बहुबौद्धिकता का सिद्धांत, दूसरा दो कारक सिद्धांत, तीसरा बहुकारक सिद्धांत और चौथा सामूहिक कारक सिद्धांत। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बहुबौद्धिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को लोकतांत्रिक गुणों का प्रतीक माना जाता है, निम्नलिखित में से क्या एक लोकतांत्रिक गुण है? पहला ऑप्शन विद्यार्थियों को किसी भी समय कक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों में प्रश्नों का विवरण, तीसरा ऑप्शन सकारात्मक रूप से विद्यार्थियों में मतभेदों को स्वीकार करता है और आमंत्रित करता है, चौथा ऑप्शन कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सकारात्मक रूप से विद्यार्थियों से मतभेदों को स्वीकार करता है और आमंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का प्रमुख अवगुण है, पहला ऑप्शन यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, दूसरा यह ध्यान अवधि कम कर देती है, तीसरा यह विचलित चिंतन के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित करती है, चौथा यह छात्र द्वारा आत्म प्रयास को हतोत्साहित करती है। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार यह छात्र द्वारा आत्म प्रयास को हतोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, सजा का उद्देश्य डैश व्यवहार की आवृत्ति को कम करना है, पहला ऑप्शन अधिगमित, दूसरा अवांछनीय, तीसरा सकारात्मक, चौथा वांछनीय। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो अवांछनीय। अगला प्रश्न है, वास्तव में समाजीकरण की नींव है क्योंकि यह किसी बच्चे का पहला संपर्क होता है,
पहला ऑप्शन पड़ोसी, दूसरा परिवार, तीसरा मित्र समूह, चौथा पर्यावरण। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, परिवार। अगला प्रश्न, संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कार्यवाह संख्या के रूप में कुल सदस्य का डैश निर्धारित किया। पहला ऑप्शन आधा, दूसरा एक दसवां, तीसरा एक चौथाई और चौथा एक तिहाई। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, एक दसवां। अगला प्रश्न है, समूह क्रियाकलाप सामूहिक शिक्षण में मुख्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य निम्न है। पहला ऑप्शन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, दूसरा शिक्षकों के बोझ को उनकी निर्देशात्मक शैली में कम करना, तीसरा कक्षा को प्रकृति में सक्रिय और सहभागी बनाना, चौथा ऑप्शन समूह के सदस्यों के बीच तालमेल बनाना। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, समूह के सदस्यों के बीच तालमेल बनाना। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि पंचायत राज संस्थाओं के कुछ मूल कार्य और कुछ अभिकरण कार्य हैं। पहला ऑप्शन 243 ई, दूसरा ऑप्शन 243 जी, तीसरा ऑप्शन 243 एफ और चौथा ऑप्शन 243 ओ। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, 243 जी। अगला प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोविस के नेतृत्व में तैयार की गई थी। पहला ऑप्शन द्वितीय, दूसरा चौथी, तीसरा तृतीय और चौथा प्रथम। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्वितीय। अगला प्रश्न, किसका उपयोग सामान्यतः कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों के विषय में अनौपचारिक शिक्षक अवलोकन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन संचयी रिकॉर्ड, दूसरा ऑप्शन जांच सूची, तीसरा ऑप्शन क्रम निर्धारण मान और चौथा उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। अगला प्रश्न, कक्षा में विद्यार्थियों के सभी प्रकार के रचनात्मक कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग विशिष्ट रूप से किया जाता है। पहला ऑप्शन फ्लैनल बोर्ड, दूसरा ऑप्शन चुंबकीय बोर्ड, तीसरा ऑप्शन पेग बोर्ड और चौथा ऑप्शन बुलेटिन बोर्ड। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, बुलेटिन बोर्ड। अगला प्रश्न है, न्याय पंचायतें कहाँ प्रचलित हैं। पहला ऑप्शन जिला, दूसरा गांव, तीसरा ब्लॉक और चौथा निगम। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, गांव में। अगला प्रश्न, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में सतत विकास की अवधारणा को प्रभावी और अनुभवात्मक ढंग से कैसे प्रबंध कर सकता है। पहला ऑप्शन सतत विकास पर बुद्धि उत्तेजक सत्र संचालित कर, दूसरा पर्यावरण संरक्षण पर एक फिल्म दिखाकर, तीसरा विद्यार्थियों के साथ एक पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट पर एक क्षेत्र यात्रा का दायित्व लेकर, चौथा सतत विकास पर व्याख्यान देकर। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, विद्यार्थियों के साथ पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट पर एक क्षेत्र यात्रा का दायित्व लेकर। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कितने प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें हैं। पहला ऑप्शन 6, दूसरा 7, तीसरा 3, चौथा 8। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 8। अगला प्रश्न है, 2017 के स्टेट बैंक विधेयक के अनुसार SBI के निम्नलिखित मौजूदा सहायक बैंकों में से कौन सा बंद हो जाएगा। पहला ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ कर्नाटक, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ पंजाब, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ मेघालय और चौथा है स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। अगला प्रश्न, सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन परमात्मा, दूसरा सूफी संतों में सबसे महान, तीसरा कोई नहीं, चौथा आध्यात्मिक मार्गदर्शक या बुजुर्ग। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या बुजुर्ग। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय के बारे में क्या सच नहीं है। पहला ऑप्शन उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, दूसरा उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तीसरा उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, चौथा वह एक वकील थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है, उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी।
अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिश के बारे में क्या सत्य है? पहला ऑप्शन सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा केंद्र में विधायिका का उन्मूलन, तीसरा बाल विवाह का उन्मूलन और चौथा द्वैत शासन का उन्मूलन। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, द्वैत शासन का उन्मूलन। अगला प्रश्न, डैश के उपदेशों से भक्ति पंथ महाराष्ट्र में फैला था। पहला ऑप्शन तुकाराम, दूसरा ज्ञानेश्वर, तीसरा रामदास और चौथा चैतन्य। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुकाराम। अगला प्रश्न, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आयात पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध को डैश के रूप में जाना जाता है। पहला प्रतिशुल्क, दूसरा राज सहायता, तीसरा कोटा, चौथा व्यापार प्रतिबंध। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, कोटा। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस लोकप्रिय आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? पहला ऑप्शन लुइस मॉडल, दूसरा महाल नोविस मॉडल, तीसरा कॉब डगलस मॉडल, चौथा हैरोड डोमर मॉडल। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, हैरोड डोमर मॉडल। अगला प्रश्न, किस सूफी संत ने प्रचार किया कि भक्ति संगीत भगवान के करीब होने के लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा ऑप्शन शेख आलम बुखारी, तीसरा सैयद मुहम्मद, चौथा ख्वाजा फरीद्दीन। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, ख्वाजा फरीदुद्दीन। अगला प्रश्न, गुप्त काल के दो गुफा चित्र कौन से थे? पहला ऑप्शन अजंता और बाघ, दूसरा अजंता एलोरा, तीसरा लोमस ऋषि गुफा और बाघ, चौथा एलोरा और बाघ। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अजंता और बाघ। अगला प्रश्न, किस महिला नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? पहला ऑप्शन सरोजनी नायडू, दूसरा अरुणा आसफ अली, तीसरा कमला देवी चट्टोपाध्याय, चौथा विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, रैयतवारी व्यवस्था सबसे पहले थॉमस मुनरो द्वारा डैश में शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तीसरा मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी दोनों, चौथा मद्रास प्रेसिडेंसी। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, मद्रास प्रेसिडेंसी। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता? पहला ऑप्शन हेमचंद विक्रमादित्य, दूसरा शेरशाह सूरी, तीसरा अहमद शाह दुरानी और चौथा इब्राहिम लोदी। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, अहमद शाह दुरानी। अगला प्रश्न, तुलूब राजवंश के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन देवराय प्रथम, दूसरा विरूपाक्ष द्वितीय, तीसरा तिरुमल राय, चौथा ऑप्शन तुलूबा नरसनायका। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, तुलूबा नरसनायका। अगला प्रश्न, कौन बाबर के समय में प्रमुख साहित्यकार नहीं था? पहला ऑप्शन खुसरो, दूसरा मुल्ला साहब, तीसरा शेख जैनुद्दीन और चौथा ख्वान दामीर। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खुसरो। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासनकाल के दौरान कौन सा वैचारिक दर्शन फला फूला? पहला ऑप्शन है वैशाषिका, दूसरा अजीविकास, तीसरा न्याय, चौथा नित्यावादी। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, अजीविकास। अगला प्रश्न, अल्बानिया, ब्रोसिया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ग्रीस, मैसेडोनिया आदि को बाल्कन देशों के रूप में जाना जाता है। बाल्कन सब निम्नलिखित भू आकृतियों में से किससे लिया गया है? पहला ऑप्शन है एक झील, दूसरा एक समुद्र, तीसरा एक पर्वत और चौथा एक नदी। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, एक पर्वत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गंतव्य स्थान पर प्रवासन के लिए एक पुल फैक्टर है?
पहला बेरोजगारी, दूसरा शांति और स्थिरता, तीसरा राजनीतिक हलचल, चौथा कमजोर जीवन स्तर। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शांति और स्थिरता। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम तरीके से डैश दर्शाया जाता है। पहला ऑप्शन एक एकीकृत विषय के रूप में, दूसरा एक स्वतंत्र विषय के रूप में, तीसरा एक निर्भर विषय के रूप में और चौथा एक सहसंबंध विषय के रूप में नहीं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक एकीकृत विषय के रूप में। अगला प्रश्न है, दैनिक प्रदर्शन का निरीक्षण करना और विद्यार्थियों को स्वयं की शिक्षा को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह नियम का उद्देश्य है। पहला नैदानिक आकलन, दूसरा उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, तीसरा असंदर्भित आकलन और चौथा पोर्टफोलियो आकलन। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पोर्टफोलियो आकलन। अगला प्रश्न, अवसादी चट्टाने कायंत्रित चट्टानों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण परिवर्तित हो जाती है। पहला ऑप्शन पुनर्क्रिस्टलीकरण, दूसरा उत्थान मौसम और अपरदन, तीसरा विलय, चौथा दफन ताप और दाब। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दफन ताप और दाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए एक आदर्श शिक्षण कौशल नहीं है। पहला शिक्षण के दौरान कक्षा में इष्टतम गति, दूसरा सभी विद्यार्थियों के साथ आँख से आँख संपर्क बनाना, तीसरा व्याख्यान करते समय उद्दीपन विनम्रता, चौथा कक्षा में सख्त और कठोर अनुशासन बनाए रखना। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कक्षा में सख्त और कठोर अनुशासन बनाए रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध अर्थों में एक प्रकार का समनुदेशन नहीं है। पहला ऑप्शन पाठ्येतर समनुदेशन, दूसरा उपचारात्मक समनुदेशन, तीसरा पुनर्लेखन समनुदेशन, चौथा प्रारंभिक समनुदेशन। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रारंभिक समनुदेशन। अगला प्रश्न, ग्लोब इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पहला ऑप्शन प्रोजेक्टेड साधन, दूसरा ऑडियो विजुअल साधन, तीसरा ग्राफिक साधन, चौथा 3D साधन। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3D साधन। अगला प्रश्न, एक संक्रमिका में वे प्रजातियां जिनकी मात्रा अधिक हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है। पहला ऑप्शन एज प्रजातियां, दूसरा क्रिस्टोन प्रजातियां, तीसरा एंडेमिक प्रजातियां, चौथा फॉस्टर प्रजाति। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एज प्रजातियां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवशेष की धीमी और अधोगामी गति है। पहला ऑप्शन क्रीप, दूसरा ऑप्शन मृदा प्रवाह, तीसरा ऑप्शन भूस्खलन, चौथा पंक प्रवाह। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्रीप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला कजाकिस्तान, दूसरा कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न, किस दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 22 मार्च, दूसरा 5 जून, तीसरा 16 सितंबर, तीसरा 16 सितंबर, चौथा 22 अप्रैल। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 22 अप्रैल। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था। पहला ऑप्शन 1931, दूसरा 1929, तीसरा 1935 और चौथा 1932। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1931। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय बराबर, चार ऑप्शन है। पहला है आय बट्टे रोजगार दर, दूसरा राष्ट्रीय आय बट्टे जनसंख्या, तीसरा कर योग्य संपत्ति बट्टे जनसंख्या, चौथा जनसंख्या बट्टे राष्ट्रीय आय। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय आय बट्टे जनसंख्या। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।